अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए समोसा पट्टी या स्प्रिंग रोल पट्टी की होममेड रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। इस वीडियो के बाद आप इंशाल्लाह बाज़ार से समोसा पट्टी या रोल पट्टी लाना छोड़ देंगे। बिल्कुल रुमाल जैसी सॉफ्ट पट्टियाँ बनेंगी। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी करें। चलें तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कप मैदा लिया, इसमें मैं ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून नमक और 1 कप पानी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया। मुझे अभी थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, 4 चम्मच मैंने और ऐड किया। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। देखें, बैटर की हमें ये वाली थिकनेस चाहिए। 1 डीप स्पून से भर के मैंने पैन में ऐड किया। ये ठंडे पैन पे आपने ऐड करना है और अच्छे तरीके से इसको फैला देना है। देखना कि बीच में से टूटे नहीं, हर तरफ से एक जैसा फैलाना है, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं होना चाहिए। देखें, पैन को इस तरीके से घुमा घुमा के बिल्कुल बराबर कर लेना है। इसको उबलते हुए पानी के ऊपर रख के पकाएंगे, डायरेक्ट चूल्हे पर नहीं पकाएंगे। इस तरीके से देखें, जैसे ही ये पैन अंदर से नज़र आना शुरू हो जाए, पट्टी ट्रांसपेरेंट हो जाए, किनारे छोड़ दे, तो इसका मतलब है कि पट्टी रेडी हो गई है। अब इसको उतारा जाए। अब मैं इसको उतार लूँगी। देखें, इस तरीके से उठा लें। देखें कितनी ज़बरदस्त पट्टी बन के रेडी हुई है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट, बहुत पतली। देखें, अंदर से मेरा हाथ नज़र आ रहा है। बनाने के बाद इन्हें कपड़े पर फैलाना है। पैन में थोड़ा ऑयल ऐड किया, तकरीबन 150 ग्राम उबला हुआ रेशे करके चिकन ऐड किया, थोड़ी सी बंद गोभी और थोड़ी सी गाजर ऐड की। 2-3 मिनट के लिए कुक किया मीडियम फ्लेम पे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच ही धड़ा मिर्च। इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच सिरका, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, और इसको अच्छे तरीके से मैं दोबारा से कुक कर लूँगी। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड किया और बस मिक्स करके अब मैं इसको उतार लूँगी। फिलिंग रेडी हो चुकी है, फिलिंग को ठंडा करेंगे। अब इस होममेड पट्टी से मैं रोल बनाऊँगी। इस तरीके से फैलाएं स्टफिंग सेंटर में, एक साइड पे इस तरीके से, और साइडों से फोल्ड करें, और इसका बैक एंड फोल्ड करते हुए रोल करें। इस तरीके से इसको रैप करना है। पट्टी का जो मटेरियल बैटर बचा था वो बस इस इधर लगा दें, ये वो लई का काम करेगा, जोड़ देगा इसको। देखें, इस तरीके से रोल बन के रेडी हो जाएगा। देखें कितना ज़बरदस्त पतला ट्रांसपेरेंट रोल तैयार हो चुका है। अब इनको मैं फ्राई करूँगी, हाई फ्लेम पे फ्राई होंगे, लो फ्लेम पे ये सॉफ्ट होके सारा मटेरियल निकल जाएगा इसमें से। ये आपने एहतियात करनी है। देखें, रेडी हो चुके हैं, बहुत ही माशाल्लाह क्रिस्पी क्रंची ज़बरदस्त। माशाल्लाह, देखें बहुत ही ज़बरदस्त रोल बन के रेडी हुए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। अभी इफ्तार में 2 घंटे पड़े हैं, मेरी तो भूख फिट वाली चमक चुकी है। कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।